ये व्लॉग आने में लेट हो गया क्योंकि हमारे घर पे कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, कुछ फैमिली कंसर्न थे, जिस वजह से काफ़ी रश हो गया था पिछले 2-3 दिनों में। बट फाइनली वो सॉर्ट आउट हो चुका है एंड दे हैव गॉन। और बेसिकली आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम एंड इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग बेसिकली। एंड आज वी आर प्लानिंग कि आज हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं अपने दिन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बिकॉज दो जने थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है दिन को स्पेंड करना, वर्क फ्रॉम होम है, अभी घर से काम चल रही चीज़ें वैसी हैं। सो वी ट्राई समथिंग, हम अपने एंड से ही कुछ कुछ आपस में ही लगे रहते हैं सो डैट कि हमारा दिन अच्छे से क्रॉस हो जाए और मतलब वो दिन हम इंजॉय करें और चीज़ों को सब कुछ फ्रूटफुल रहे। सो बेसिकली भाई आज हमने डिसाइड किया है कि हम बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें पे एक बार डिस्कशन करने के बाद कि हम क्या बनाएं खाने के लिए या फिर हमारा ब्रेकफास्ट क्या होगा। सो वी डिसाइडेड कि हम चाय के साथ हम पोहा लेते हैं, आज हम ब्रेकफास्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग एंड शिवानी इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। गाइस मैं पोहा के रिगार्डिंग आपको एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जहाँ पे मतलब मैं जब 2008-09 में कोटा में था तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। आपको पता है कोटा में लोग IIT की प्रिपरेशन के लिए जाते थे, मैं भी गया था वहाँ पे 2008-09 में, तैयारी की थी वहाँ पे, काफ़ी टाइम दिया था। बट स्टिल वहाँ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि दिन में जब लोग क्लासेस करते थे जो कि काफ़ी लंबी होती थी और रात को वो सेल्फ स्टडी करते थे, और स्टूडेंट्स वीकेंड के टाइम में जब अगले दिन क्लास ऑफ होता था सैटरडे संडे को तो वो मॉर्निंग में उठ के जाते थे स्टॉल्स पे जो कोटा में सड़कों पे लगे रहते थे, और उन स्टॉल्स पे पोहा जलेबी और दूध जो अवेलेबल सुबह 4 बजे से ही हो जाते थे, और वहाँ काफ़ी भीड़ होती थी और लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब वहाँ कई कई स्टूडेंट साइकिल लेके या बाइक लेके वो जाते थे जैसे उनकी अवेलेबिलिटी होती थी, या पैदल भी कई लोग जाते थे वहाँ पे। मैं भी कई बार गया हूँ वहाँ पे मॉर्निंग में पढ़ाई करने के बाद, हम वहाँ जाते थे वही चीज़ों को देखते थे। वो वहाँ काफ़ी अच्छा वो टेस्ट, और वो जो टेस्ट क्रिएट भी हुआ पोहा का, एक्चुअली मेरा तो वहीं हुआ कि मतलब वहीं से हम खाते हैं चीज़ों को, इंटरेस्टिंग भी होते हैं। सो मैंने प्लान आउट किया कि आज हम उसे खाते हैं, शिवानी इज प्रिपेयरिंग, सो लेट्स मीट हर इन सम टाइम और देखते हैं वो क्या कर रही है किचन में। सो लेट्स चेक। हाय गाइस, सो आई एम बैक। सो गाइस वी आर वेरी वेरी सॉरी कि हम आपको किचन वाला पार्ट नहीं दिखा पाए एक्चुअली, एंड बिकॉज गाइस हमको बहुत जल्दी में जाना पड़ गया था, इतना काम ही पड़ रहा है पता नहीं वीकेंड्स में क्यों, बट अभी हम आ चुके हैं और अभी इवनिंग भी हो चुकी है। सो टाइम इज़ अराउंड, लेट मी चेक, सो टाइम इज़ अराउंड 4:30। सो गाइस अभी 4:30 हो रहा है, हम आ गए हैं, हम कहीं गए थे तो हमारा लंच वगैरह वहीं पे था, अब आ गए हैं। राहुल इज स्लीपिंग और मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना बहुत चाय पीने का मन हो रहा है एक्चुअली, कि मैं चाय पी लेती हूँ। सुबह तो पोहा जल्दी जल्दी बनाया, वी जस्ट मतलब हैड आर ब्रेकफास्ट और उसके बाद वही रश में बिल्कुल कॉल आ गया कि आपको आना है यहाँ पे एंड आपका लंच भी यहीं पे, तो आप जल्दी विजिट करो। तो हम वहाँ पे चले गए, मैगी को भी साथ लेके गए, इवन मुझे लगता है मैगी शायद थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है एंड शी हैज़ फीवर, तो अभी वो थोड़ा ठीक है, वैसे मैंने उसको मेडिसिन दे दी थी, बट गाइस वही कि हम आपको अपडेट नहीं कर पाए, वी आर वेरी 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 सॉरी, आप इस चीज़ के लिए माफ़ कर दीजिएगा। बट अब ये व्लॉग जो अभी है ये कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा। तो गाइस अभी देखते हैं कि राहुल सो रहे हैं कि उठ गए हैं, देखते हैं, लेट मी चेक, आप बने रहिए मेरे। सी राहुल इज स्लीपिंग एंड उठने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सुनो सुनो वेक अप, नो उठो, चाय नहीं पीनी आपको। गाइस अभी ये तो सो रहे हैं कि दे बोथ आर स्लीपिंग, और अभी मैं जाती हूँ किचन में क्योंकि ये व्लॉग तो खैर मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था तो मुझे लग रहा है कंटिन्यू मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि वो तो सो रहे हैं, और अगर एक बार सो जाते तो उनको उठाना बहुत मुश्किल होता है, पर स्टिल कोई बात नहीं, सोने तो थोड़ा सा। तो अभी गाइस एक मिनट, मैं आपको बाहर का वेदर भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड ना। Guys, look at this weather. आज भी बहुत अच्छा weather है। Maggie, no baby, come, come. Guys, देखो Maggie बिल्कुल बात नहीं मानती हम लोग की। So अभी weather बहुत अच्छा हो गया है। You can see guys, but बहुत ज़्यादा गर्मी मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ज़्यादा है। So सुनने में आ रहा है कि अभी शायद मॉनसून आने वाला है दिल्ली में, आई मीन दिल्ली NCR में। तो गाइज ये तो मेरा वीकेंड गया है, तो आप लोग का वीकेंड कैसे गया प्लीज़ कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। और अभी
वही जैसे आपको बताया गया था, चाय पीना है तो अभी चाय बना लेते हैं फटाफट से, देन आपको मिलते हैं। और तब तक आप, और गाइस वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है। एंड ऑब्वियसली वीडियोस को आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। सो गाइस जल्दी से बना लेते हैं चाय, उसके बाद हम आपको मिलते हैं विद चाय विद राहुल। ओके बाय। चाय बन चुकी है और चाय के साथ देखिए ये चल रहा है खाने में, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं छोटे छोटे कलरफुल से। और यहाँ पे एक और आइटम खा रहे हैं हम, चना जोर गरम, जो कि मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। एंड यस, मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट है ही, मेरी मदर इन लॉ का भी बहुत फेवरेट है, उनको बहुत अच्छा लगता है ये। गाइस अभी जब मैं पटना गई थी तो मैंने खाया था, इसमें बहुत सारा अनियन मिक्स करके और मिर्च विर्च मिक्स करके, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड चाय अलग अलग कप में इसलिए क्योंकि नेस्कैफे वाला इनका कप है, इसमें ही पीते हैं और मुझे थोड़ा पीना था इसलिए। तो गाइस अब मैगी को देखिए कि मैगी को कैसे कितना डेस्परेटली खाना चाहिए सब हम जो खा रहे हैं सब कुछ। मैगी यू वांट दिस, यू वांट दिस मैगी, यू वांट दिस। सो गाइस इसको सब कुछ खा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग अगेन। एंड गाइस बेसिकली अभी हमने अपना चाय वगैरह जो, और वो फ्लावर पॉट जो शिवानी आपको दिखा रही थी, हमने अपना फिनिश कर लिया है। और इसके बाद अभी हम जस्ट बैठे थे और प्लान आउट कर रहे थे आगे की चीज़ों को अभी आने वाले टाइम पे। तो गाइस एक चीज़ बस थोड़ा सा एक इंस्टेंट शेयर करना था रिगार्डिंग कि अभी हमने प्लान आउट किया था जहाँ पे अभी हमने सोचे थे कि आफ्टर कोविड अभी जो थोड़ी बहुत चीज़ें रिलीफ हुई है गवर्नमेंट के एंड से या फिर जो रिलैक्सेशन मिला है वहाँ पे हम अपने बाहर थोड़ा कहीं घूम के आते हैं आसपास के शहरों में, क्योंकि दिल्ली के लोकल में सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट जो स्टेट्स हैं वो हिमाचल उत्तराखंड ही है, जहाँ लोग गर्मी के टाइम में अपने वेकेशन या फिर थोड़ा सा वो पहाड़ों वाली फील लेने जाते हैं। तो लेकिन अभी जो रिगार्डिंग मैंने सर्च भी किया तो या न्यूज़ वगैरह भी जो आजकल आ रहे थे अपडेट्स वगैरह गवर्नमेंट के एंड से, तो वहाँ ये सिम्बलाइज हो रहा था कि मनाली या फिर मसूरी या फिर आप शिमला जैसे शहरों पर ले लीजिए, प्राइम सिटीज जो हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर उमड़ चुकी थी, यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गैदर हो चुके थे एक बार में ही, जहाँ पर गवर्नमेंट को अपने एंड से एक्शन लेने पड़े थे कंट्रोल करने के लिए। लोग मास्क के बिना घूम रहे थे, लोग बिल्कुल ही केयर फ्री होकर घूम रहे थे चीज़ों को लेके, मतलब एक तरह से वो मान रहे थे कि कोई कोविड वगैरह या कोई सिचुएशन है ही नहीं है सेकेंड वेव भी जो वहाँ पे जो लोगों ने अप्रैल मई में फेस किया था। सो गवर्नमेंट ने वापस से उस नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर दिया जहाँ पे आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए या फिर मास्क के रिगार्डिंग चलान कटने शुरू हो चुके हैं ट्रैवलिंग के थ्रू टोल्स के आगे या जो भी है रास्ता उस तरह से। सो अभी हमने इस चीज़ को देखते सोचते हुए प्लान को ड्रॉप आउट कर दिया है कि विल सी एंड विल प्लान आउट लेटर कि अभी ये सिचुएशन और थोड़ी नॉर्मल हो जाए एंड चीज़ें और अपने एंड से रिलैक्स हो जाए। सो अभी वही मैं आपसे भी डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर आप लोग कुछ ऐसा प्लान करें तो प्लीज़ अभी फॉर टाइमिंग कुछ दिन के लिए इस चीज़ों को लेके जो नॉर्थ इंडिया थोड़ा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा रश हो रखा है अभी, और थोड़ा अभी आप डिले करिए हफ्ता 10 दिन या 15 दिन का अपने प्लान को रेस्ट दीजिए इस चीज़ के रिगार्डिंग, सो डैट कि और चीज़ें सूद आउट हो जाए या फिर कन्वीनियंट हो जाए आप लोगों के लिए। सो गाइज अभी हो चुकी है रात, डिनर टाइम हो चुका है, तो मेरे को डिनर की ऐसा भूख नहीं थी कि रोटी सब्जी वाली भूख नहीं थी, काफ़ी दिन से सब्वे नहीं खाया था तो आज मैंने सब्वे ऑर्डर किया और सब्वे खाया। एंड राहुल भी अभी डिनर कर रहे हैं, उनका डिनर है रोटी सॉरी पराठा और मटर पनीर की सब्जी, तो उनको पराठा ही खाते, उनको पराठा ही पसंद है। और मैगी ने खाया है दूध रोटी, तो वो दूध रोटी खाती है, चावल भी खाती है, जो हम खाते हैं वो सब खाती है। तो गाइस आज दिन बहुत 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 ज़्यादा हैक्टिक था और अब इसके साथ ही हम व्लॉग की एंडिंग भी करते हैं अभी। गाइस एंडिंग के साथ साथ आपको क्या करना है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें चैनल सब्सक्राइब करना है, एंड प्लीज़ जिन्होंने कर लिया है वीडियो को शेयर कीजिए। एंड गाइस आप जो भी न्यू हैं आपके लिए भी है, आप वीडियो देख रहे हैं अगर, और अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए एंड बेल बटन भी दबा सकते हैं जो कि नोटिफिकेशन का बटन है, ताकि आपको जो भी हमारी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप साथ के साथ देख लें। करें फिर गाइस एंडिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय गाइस।